हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मी टू के बारे में। वीडियो को देखने के बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका इस मी टू इवेंट के बारे में क्या कहना है, कौन इसमें सच्चा है, कौन इसमें झूठा है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ये मी टू इवेंट के बारे में सबको पता चल सके। मेरा नाम है आरजे और स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे, तनुश्री दत्ता ने बॉलीवुड के अनुभवी अभिनेता नाना पाटेकर पर सेक्सुअली हरासमेंट का आरोप लगाया है, जिसके बाद बॉलीवुड में सनसनी सी छा गई है। तनुश्री ने इस मामले के बाद बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ में मी टू इवेंट को बढ़ावा मिल रहा है, जिसमें कई स्टार्स ने अपने साथ हुए गलत व्यवहार के बारे में खुलकर बात की है। मी टू इवेंट में कई अभिनेत्रियों ने अपनी आपबीती सुनाई है। मी टू इवेंट की लिस्ट में बॉलीवुड के कई बड़े सितारों पर आरोप के मामले सामने आ रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं इन स्टार्स के बारे में। सबसे पहला जो नाम आ रहा है वो है नाना पाटेकर का। तनुश्री दत्ता ने एक इंटरव्यू में नाना पाटेकर पर शूटिंग के दौरान छेड़छाड़ और गलत व्यवहार का आरोप लगाया था। मामला 2008 में हॉर्न ओके प्लीज़ मूवी की शूटिंग के दौरान का बताया गया है। तनुश्री ने कहा कि नाना पाटेकर ज़बरदस्ती उनके करीब आना चाहते थे और उनके साथ इंटीमेट होने की कोशिश की। अब इस लिस्ट में अगला नाम जो है वो है टेलीविज़न के मशहूर चेहरे आलोक नाथ का। उन पर टीवी के शो तारा की प्रोड्यूसर वनिता नंदा ने एक फेसबुक पोस्ट में बिना उनका नाम लिए आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि एक संस्कारी शख्स ने उनका यौन उत्पादन किया है। हालांकि बाद में INS से बातचीत में उन्होंने आलोक नाथ का नाम लिया। इस लिस्ट में बॉलीवुड के जाने माने चेहरे साजिद खान, जो कि बागी टू के डायरेक्टर थे, उनका नाम भी सामने आया है। फिल्म मेकर साजिद खान पर उनकी एक्स असिस्टेंट डायरेक्टर सलोनी चोपड़ा ने गंभीर आरोप लगाया है। सलोनी ने एक वेबसाइट पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर अपनी आपबीती सुनाई है। सलोनी ने साजिद पर हैरासमेंट और शारीरिक दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। सलोनी ने बताया कि साजिद उनके अश्लील फोटोज मांगते थे और गंदी बातें करते थे। इसके बाद से साजिद की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही है। इतना ही नहीं, साजिद खान पर दो और महिलाओं ने उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। इसके बाद बॉलीवुड की बोल्ड एक्ट्रेस पूनम पांडे ने बिना किसी का नाम लिए मीटू में सीनियर बॉलीवुड एक्टर पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि फिल्म द जर्नी ऑफ कर्मा की शूटिंग के दौरान, इंटीमेट सीन की शूटिंग के दौरान, उनके सीनियर एक्टर ने छेड़छाड़ की थी। उनका सीधा सीधा इशारा शक्ति कपूर की तरफ था। सोना महापात्रा ने एक फोटो जर्नलिस्ट और सिंगर कैलाश खेर पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे और उसके बाद अब उन्होंने अन्नू मलिक को लगातार अपराध करने वाला बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अन्नू मलिक कैलाश खेर की तरह अपराधी थे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप किसे दोषी मानते हैं, कौन सच्चा है, कौन झूठा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये मी टू इवेंट के बारे में सबको पता चल सके।